हरियाणा के करनाल में डीसी के आदेशों पर प्रशासन के द्वारा राइस मिलों में स्टॉक का निरीक्षण लगातार जारी है। जिले में करीब 300 राइस मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है। स्टॉक को लेकर हो रही फिजिकल वेरिफिकेशन में कई राइस मिलों के राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। चेकिंग के दौरान मिलों में खामियां भी सामने आ रही है। इस पर डीएफएससी अनिल कुमार का कहना है कि करनाल में 316 राइस मिलों की वेरिफिकेशन चल रही है, जिसमें से लगभग 200 राइस मिलों की हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर चुके हैं। हमारी अलग अलग टीमें बनी हुई हैं और इन टीमों में एक एक अधिकारी जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया है। एक खाद्य आपूर्ति विभाग का और एक मार्केटिंग बोर्ड का अधिकारी भी टीम में शामिल है। यह चेकिंग लगातार जारी है। सभी चीजों को लेकर हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और जल्द ही इसकी रिपोर्ट जारी की जाएगी। फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है 2019-20 सत्र के लिए। इसमें हमारे करनाल जिले में 316 राइस मिल्स हैं जिनकी पीवी चल रही है, और इसमें से अब तक जब से शुरू हुई है 22 तारीख से अब तक केवल लगभग 200 मिल्स की हम वेरिफिकेशन कर चुके हैं। इस पीवी के दौरान हमारी जो तीन एजेंसीज हैं, मुख्यतः फूड एंड सप्लाईज, हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन और हैफेड, इन तीनों की वेरिफिकेशन ये इस समय चालू है।